Welcome students, now I am again here with you, our same topic which is time. Time का ही topic है और मैंने आपको previous topic में, previous lecture में जो है वो o'clock के बारे में बताया था. Now हम लोग different times को different उसको study करेंगे. First of all, अगर हम इस तरह की needle देखें कि हमारी minutes वाली needle 6 पे है और हमारी hours वाली needle दो numbers के, किसी भी दो numbers के mid में आ रही है, then आपके पास situation ये आएगी कि अगर आप सिंपल लैंग्वेज में किसी बड़े से, मदर से, फादर से, अगर टाइम आप वो उर्दू स्पीकिंग हैं उनसे आप टाइम पूछेंगे, दे आर नाउ एज 10:30 हो गए हैं, यानी 10 का आधा गुजर चुका है, यानी आधा घंटा गुजर गया है, 10 के बाद आधा घंटा गुजर चुका है. नाउ अगर आप इस तरह से देखेंगे इन अपनी लैंग्वेज इस तरह से देखेंगे तो इट बिकम्स हाफ पास्ट 10, यानी हाफ गुजर चुका है, पास्ट गुजर चुका है, हाफ आधा, आधा गुजर चुका है 10, यानी आधा घंटा गुजर चुका है. अगर आप सिंपल लैंग्वेज में देखें तो 1 पे अगर आप ये आपका बनता है 5 की टेबल से, 5, 10, 15, 20, ये 5 का टेबल चलता है. ये मैं आपको फर्दर नेक्स्ट उसमें बताती हूँ, ठीक है. अभी आप देखिएगा यहाँ पर आपके पास क्या टाइम हो रहा है, हाफ पास्ट 6, वेरी गुड, यानी 7 से भी पीछे है ना नीडल आपकी, जिनके दरमियान में है तो जो पीछे वाला नंबर है आपने आंसर में उसको लिखना है. सो इट इज़ हाफ पास्ट 6, क्लियर. नाउ दिस इज हाफ पास्ट 2, वेरी गुड. येस, नाउ लुक एट दीज क्लॉक्स और इसमें देखिएगा आपको कहते हैं 3 o'clock, 8 o'clock, 6 o'clock, 11 o'clock, 5:30 एंड 9:30 बताना है आपने. तो चले, आपको मैंने बताया कि आपकी आर वाली नीडल 3 o'clock, यानी 3 पे हमारी नीडल स्मॉल आएगी और जो हमारी लार्ज नीडल है इट ऑन 12, क्लियर. तो ये हमारे हो गए 3 o'clock. इसी तरह 8 की बात होगी तो 8 पे हमारी स्मॉल नीडल आएगी और 12 पे हमारी लॉन्गर नीडल आएगी, क्लियर. तो अब बाकी आप ये दोनों खुद करेंगे. हाफ पास्ट 5, यानी 5 और 6 के मिड में हमारी स्मॉल नीडल और 6 पे हमारी लॉन्ग नीडल, क्लियर. ये स्टूडेंट्स, नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन. अब अगर आप देखें तो दिस इज 3 एंड दिस इज 2. अगर आप स्मॉल नीडल की बात करें तो आपको पता है दिस इज आवर्स, नीडल फॉर द आवर्स एंड दिस इज़ फॉर द मिनट्स. और अगर इस सिचुएशन हो तो इट बिकम्स 2:15. नाउ यहाँ पे आपको कहते हैं यू हैव टू क्रिएट 3:15. 3:15 यानी 3 पे स्मॉल नीडल एंड 3:15, तो और 3 पर ही आपकी लॉन्ग नीडल, तो आपकी दोनों नीडल्स 3 पर ही आएंगी, क्लियर. अब कहते हैं 8:15, तो 8 पे आपकी स्मॉल नीडल, क्लियर, और 3 पे आपकी लार्ज नीडल, लॉन्ग नीडल, क्लियर. अब अगर बात करें 8:15, तो 8:15 का मतलब है कि आपकी स्मॉल नीडल जो आर्स वाली नीडल है वो उस नंबर पे हो और जो आपकी लॉन्गर नीडल है वो आपकी 9 पर हो, क्लियर. तो अगर हमें कहें 11:45, यानी 11:45, तो आपकी स्मॉल नीडल 12 पे आएगी, आपकी लॉन्ग नीडल जो है वो 9 पे आएगी, क्लियर. अगर कहते हैं 12:15 है तो ये नीडल आपकी 1, थोड़ी सी 1 से पीछे होगी, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होगी, और लॉन्ग नीडल आपकी 9 पे होगी, क्लियर स्टूडेंट्स. नाउ दिस इज़ द टाइम फॉर यू, यू हैव टू राइट ये क्या है, 6. This is 2:15 and this is 10. This is 1 and this is 5. Clear students? You have to solve this by yourself. इसके बाद हमारी बात आ जाती है मिनट्स की. और मैंने जैसे आपको प्रीवियस बताया था पीछे कि आपका 1 ये जो है ये 5 के टेबल पे डिपेंडेंट है, यानी ये 5 1 है तो 5 × 1, 2 है तो 10, 3 है तो 15, 4 है तो 20, 5 है तो 25, 6 है तो 30, क्लियर.
सेवन है तो 35, एट है तो 40, यानी फाइव का टेबल आपने चलाना है, फाइव का टेबल के अकॉर्डिंग आपने इसको करना है 50, फाइव इलेवन सा होता है 55 एंड फाइव सिक्स 60, तो ये आपका फाइव का टेबल चलेगा बेसिकली, उसके अकॉर्डिंग आपने इसको सॉल्व करना है, क्लियर। तो आइए अब हम इसके अकॉर्डिंग जो है वो टाइम देखते हैं। अगर आप फर्स्ट ही क्वेश्चन में देखें तो फर्स्ट आपकी और वाली जो है वो फाइव पे है और ये फोर पे है। एज आई टोल्ड यू कि फोर पे क्या मिनट्स होंगे, 20। अब अगर आप सेकंड क्वेश्चन में देखें तो आपकी आवर्स वाली फोर पे है यानी फोर, और आपकी मिनट्स वाली टू पे है तो टू पे क्या मिनट्स होंगे, 10, यानी 4:10, 4:10, 4:10 टाइम है। अगर आप इसमें देखें तो आपकी ये तो आपका मिनट्स और आवर्स, अगर आप क्वार्टर पास्ट को याद करें तो दिस इज़ फॉर हाफ पास्ट, ठीक है, ये आपका हाफ पास्ट है, हाफ पास्ट वन हो चुका है। नाउ अगर हमने यहाँ पे मिनट्स में बताना है तो इट इज़ 1 एंड 6 पे आपके क्या मिनट्स हैं, 30। आपने जल्दी से फाइव का टेबल पढ़ लेना है, क्लियर। अब जैसे सेवन है आवर्स वाली सेवन एंड मिनट्स वाली फाइव पे है तो फाइव फाइव ज़ा जल्दी से, फाइव फाइव ज़ा 25, 7:25, ये आपकी फाइव है एंड फाइव सेवन ज़ा 35, क्लियर। ये आपकी आवर्स वाली फोर एंड नाइन, फोर फाइव ज़ा, फाइव नाइन ज़ा 45। नाउ दीज आर द थ्री पार्ट्स, इनकी आप खुद प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाए। सो दिस इज़ आवर लेक्चर अकॉर्डिंग टू द टाइम, इंशाल्लाह आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड अबाउट दिस लेक्चर। टेल मी अबाउट योर कमेंट्स एंड ऑल्सो इन्फॉर्म मी कि आपको कैसे समझ आ रही है, क्लियर। होप वी विल मीट इंशाल्लाह इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ओके, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड डू द प्रैक्टिस मोर एंड मोर ऑफ मैथ्स, देन यू विल बी एबल टू डू मैथ्स परफेक्टली। ओके, अल्लाह हाफिज़।